हेलो गाइस, सो स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, दिस इज अमृता हियर, योर पैशनिस्टा मेकअप आर्टिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आईब्रोज से। सो पहला स्टेप होगा आपका आईब्रोज। तो आईब्रोज मैं ऑफलाइन करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आई शेडो से। सो आई शेडो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। सो मैं लाइट ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ और मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपने क्रीज एरिया पे। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा यूजिंग अ डार्कर शेड। तो आपका डार्कर शेड होगा डार्क ब्राउन कलर। और अभी आपको क्या करना है, आपको छोटा ब्रश लेना है एज कम्पेयर टू द वन विच यू हैव टेकन अर्लियर। उससे छोटा साइज लेना है और आपको उसके नीचे के तरफ आपको स्लोली ब्लेंड करते जाना है वो डार्कर कलर। आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना, थोड़ा सा यूज़ करना और ब्लेंड करना है अच्छे से और मिक्स करना है आपके लाइटर ब्राउन शेड के लिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं नेक्स्ट स्टेप यूज़ करूँगी ब्राज़ील पैलेट। दिस इज़ BH कॉस्मेटिक्स ब्राज़ील पैलेट और मैं इसमें यूज़ करूँगी अ कॉपर शेड। सो कॉपर शेड मैं उसको आउटर पार्ट ऑफ अ आईलेट एरिया में लगाऊँगी। जस्ट अपने बाहर के तरफ लगाना है आपको और अच्छे से ब्लेंड करना है उसको भी। और नेक्स्ट स्टेप होगा मैं यूज़ करूँगी ग्रीन कलर फ्रॉम द सेम पैलेट और मैं उसको इनर कॉर्नर्स पे लगाऊँगी और यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने ब्राउन शेड के साथ। सो मुझे वो हार्श लाइंस नहीं चाहिए था इसमें, तो इसके लिए मैं उसको ब्लेंड कर लिया। अभी यूजिंग माई फिंगर टिप्स मैं क्या करूँगी, ग्रीन कलर यूज़ करूँगी, वो सेम ग्रीन कलर। बट आप देख सकते हो कितना डिफरेंस होता है जब मैं वही ब्रश से करती हूँ और वही चीज़ मैं कभी फिंगर से करती हूँ। उसका पिगमेंट बहुत अच्छा आता है गाइस। तो अगर आपके पास शेड्स है और आपको ब्रश से लगाना नहीं जम रहा है, सो यूज़ योर फिंगर टिप्स, अच्छे से लग जाता है। अभी नेक्स्ट स्टेप होगा ब्यूटी पैलेट से मैं अभी वो ब्राउन शेड लूँगी, लाइट ब्राउन शेड, और उसको आउटर एरिया पे लगाऊंगी आईलेट के आउटर एरिया पे और उसको ब्लेंड करते जाऊँगी ग्रीन कलर के साथ। अब मैं ग्रीन कलर लूँगी और मैं उसको इनर कॉर्नर्स में लगाऊँगी। अब मैं हुडा ब्यूटी का पैलेट से गोल्डन कलर लूँगी और उसको मिडिल में लगाऊंगी। लाइक मेरा आईबॉल कहाँ पर होगा एग्जैक्टली वहाँ पर आएगा ये कलर और उसको स्मच कर दूँगी अपने ग्रीन एंड ब्राउन शेड के साथ। सो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ग्लिटर। तो ग्लिटर मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 से। ये अमेजिंग ग्लिटर है गाइस। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस ये ग्लिटर अपने फिंगर टिप्स में लेना है और इसको लगाना है। और ये इसमें आपको ग्लू की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। और इसका अमेजिंग फीडबैक है मेरे क्लाइंट से। सो आई एम ऑलमोस्ट डन विद द स्टेप। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लीनिंग माई फेस। सो मैं क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी बेबी वाइप्स। सो बेबी वाइप्स विच आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम हिमालया। तो हिमालया के बेबी वाइप्स से मैं अच्छे से मेरा फेस क्लीन कर दूँगी। अभी मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ, ये टोनर इज़ फ्रॉम प्लम। ये अमेजिंग टोनर है गाइस। अगर आप टोनर कभी ख़रीदोगे तो ज़रूर ये वाला टोनर ट्राई करना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है बट ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा मॉइस्चराइजिंग। सो मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिंपल का मॉइस्चराइज़र। ये मैं यूज़ करती हूँ हर एक वीडियो में, मेरा ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। मुझे चेंज करने का मन ही नहीं कर रहा ये मॉइस्चराइज़र, बिकॉज ये मेरा स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, मैं यूज़ करूँगी लिप प्लमर फ्रॉम लोटस। ये लिप ग्लॉस की तरह यूज़ कर सकते हो आप। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप तक की तरफ जाऊँगी, ये होगा प्राइमर। सो प्राइमर विच आई एम यूजिंग इज़ फ्रॉम नायका। सो ये प्राइमर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सो मैं दो तीन यूज़ के बाद ही आपको इसका फीडबैक दे सकती हूँ। फ़िलहाल तो मुझे अच्छा लग रहा है ये लगाने में, लाइक जो पोर्स है वो मेरे फिल हो रहे हैं और उसके बाद जब मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया वो भी अच्छे से बैठ रहा था और 7 to 8 hours मैंने लगा के रखा था, तो ये अच्छा फीडबैक दिया था। सो नेक्स्ट स्टेप मैं जाऊँगी है कलर करेक्टर। तो कलर करेक्टर मैं यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन का। सो
आप कोई भी ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हो। सो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, यू नो मेरे फेस पे ग्रेनेस दिखता है जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। अगर आप कलर करेक्टर यूज़ करोगे आपका ग्रेनेस नहीं दिखेगा। और सेकेंडली, अगर आप आपके स्किन टोन का फाउंडेशन लेते हो तो तभी भी आपको वो ग्रेनेस नहीं दिखेगा। आप ये ट्राई करना, टिप्स आपको ज़रूर ज़रूर यूज़फुल होगा मेकअप करते वक्त। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं गाइस। सो अभी मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, दिस इज़ फ्रॉम मेबेलिन, दैट इज़ फिट मी फाउंडेशन। ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस, ये आपको फुल कवरेज नहीं देता है बट ये आपको नेचुरल लुक देगा। जब भी अगर आप कोई फंक्शन के लिए जाते हो तो आप ये ज़रूर यूज़ करना। ये मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ जब मैं कोई वेडिंग फंक्शन में जा रही हूँ, कब मैं मेहंदी फंक्शन के लिए जा रही हूँ या कोई पूजा फंक्शन के लिए, बिकॉज ये नेचुरल लुक देता है तो आपको वो हैवी लुक नहीं आएगा जो नॉर्मली मैं मेकअप करती हूँ उसमें आपको लगता होगा बहुत हैवी लग रहा है, बिकॉज मैं वो HD मेकअप लुक दे रही हूँ। ये HD मेकअप नहीं है गाइज, ये नेचुरल मेकअप है जो आप नॉर्मल पूजा के लिए, कोई फंक्शन के लिए जाते वक्त यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने अच्छे से फाउंडेशन लगा दिया है, उसके बाद होगा ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग आपको करना है यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, उससे वो अच्छा से मेकअप प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कंसीलर। सो कंसीलर मैं लगाऊंगी जस्ट बिलो माई अंडरनीथ माई आईज एक्चुअली, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेरे नोज एरिया पे, लाइक मेरा जो नोज का पॉइंट है वो एरिया पे, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेरे अपर लिप्स में एंड माई चिन एरिया। सो ये एक्चुअली हाईलाइट करता है आपका फेस को, अगर आप अच्छे से लगाओगे ब्लेंड करोगे तो ये बहुत प्यारा लगता है। एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जब आप कंसीलर यूज़ करते हो आप स्टार्ट करना मिनिमम प्रोडक्ट से, उसके बाद चाहिए तो आप बिल्डअप करना, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको वो थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू द फाउंडेशन। सो आपको अच्छे से ब्लेंड करना आना चाहिए, अगर आपने बराबर से नहीं लगाया आपका ग्रेनेस भी दिख सकता है फेस में। सो मेक श्योर आप अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो, और आपको ब्लेंडिंग करते वक्त आपको पुश नहीं करना है, आपको टैप करना है प्रोडक्ट को। अगर आप पुश करते हो तो वो जो आपका आपने कलर करेक्टर लगाया, फाउंडेशन लगाया, वो सब हिल जाएगा अपनी जगह से। सो मेक श्योर आप उसको अच्छे से टैप करके प्रोडक्ट को डिपॉजिट करना है, उसको पुश नहीं करना। अभी मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको टैप करके अच्छे से इसको प्रोडक्ट को डिपॉजिट करूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी अपने फाउंडेशन के साथ, तो मुझे नेचुरल लुक के लिए। ये बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, अपने ब्रश यूज़ करते हैं, उसके बाद वो ब्रश का लाइंस दिखता है। सो वो अवॉइड करने के लिए आपको ये स्टेप कभी नहीं मिस करना है गाइस। सो ये ज़रूर याद रखना। सो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है, अब मैं जाती हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग में स्टार्ट करूँगी LA Girl से। सो LA Girl प्रो कंसीलर है, ये बहुत अच्छा है गाइस, ये ट्राई करना। ये मैं कॉन्टोर करूँगी अपना नोज़ एरिया और मेरा चीक बोन्स, जस्ट बिलो द चीक बोन्स एक्चुअली, और उसके बाद मेरा फोरहेड बहुत बड़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्टोर करना पड़ता है। और नेक्स्ट होगा मेरा जॉ लाइन भी बहुत ज़्यादा है तो मुझे अच्छे से कॉन्टोर करना है उसे। जिसको भी मेरे जैसा जॉ लाइन है, जब बड़ा जॉ लाइन है, तो ज़रूर ट्राई करना गाइस, ये अच्छे से आपका जो डबल चिन है वो कवर कर देगा। अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से टैपिंग मोशन से टैप करते हुए प्रोडक्ट को डिपॉजिट कर दूंगी। इसको पुश नहीं करना है गाइस, इसको टैपिंग मोशन में ही आपको रखना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। एक्चुअली कॉन्टोरिंग से क्या होता है, आपका जो शेप है फेस का वो और निखर के आ जाता है, लाइक यू नो आपका शार्प फीचर्स दिखता है और आपका जो डबल चिन है वो कवर हो जाएगा। आपका नोज़ आपको पॉइंटेड चाहिए वो आप कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा कर्वी ब्रश लूँगी और उसको नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी। सो नोज़ कॉन्टोरिंग कब आप करते हो, आपको स्टार्ट करना है आपके आईब्रोज से और आपको स्लोली जाना है नीचे के तरफ, इससे आपको नाइस यू नो पॉइंटेड नोज़ आएगा।
अगर आपका ऑलरेडी पॉइंटेड नोज है तो आप क्या कर सकते हो, आपको लोअर पोर्शन में डालना है तो कट ऑफ दैट पॉइंट, मतलब जिसका जिसका नोज एकदम लॉन्ग होता है तो आपको अगर छोटा दिखाना है तो आप यो भी कर सकते हो कॉन्टोरिंग से। सो मैं उस पर एक अलग सा ट्यूटोरियल बनाऊंगी जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कैसे आपको नोज कॉन्टोरिंग करना है। सो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, वो है यूजिंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। सो ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैं इसको अंडरनीथ जो मेरा आईज़ है उसको मैं सेट करूँगी सो दैट मेरा प्रोडक्ट अपनी जगह से हिले नहीं। मोस्टली हमारा अंडरनीथ क्रीजी हो जाता है तो उसको आपको सेट करना है यूजिंग अ ट्रांसलूसेंट पाउडर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊंगी, दैट इज़ लैशेस। सो लैशेस मैं लगाऊंगी ऑफलाइन। अगर आपको इसमें ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप पे जाती हूँ, ये होगा हाइलाइटर। सो हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ मास्टर क्रोम, दैट इज़ फ्रॉम मेबेलिन। सो ये हाइलाइटर आपको यूज़ करना है जब आप कोई वेडिंग के लिए जा रहे हो। ये बहुत प्यारा हाइलाइटर है, ये हैवी लुक नहीं देता है और ये आपको नेचुरल शाइन देता है। सो ज़रूर ट्राई करना गाइस। ये इसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आपको परचेस करना है ये अवेलेबल होगा नायका में। सो अभी मैं क्या करूँगी, मैं मेरे इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करूँगी। इनर कॉर्नर्स मैं हाईलाइट करूँगी और इससे क्या होता है, आप जब इनर कॉर्नर्स आपका हाईलाइट करते हो आपका आईज़ ओपन अप हो जाता है और बहुत प्यारा लगता है। ये आप बिलो या आईब्रोज भी आप लगा सकते हो, थोड़ा सा हल्का सा लगाना, सो बहुत प्यारा दिखता है। सो अब मैं करूँगी मेरे कॉन्टोर को सेट। ये मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्रॉन्जर। इससे आपका जो आपने कॉन्टोर किया था उसको सेट करना है यूजिंग दिस ब्रॉन्जर। आपको ये वही लगाना है जिधर आपने कॉन्टोरिंग किया था। सो इससे आपका जो कॉन्टोर है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और आप ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ब्यूटी ब्लेंडर। सी ये मोस्ट ऑफ द मेकअप आर्टिस्ट नहीं यूज़ करते हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से सेट कर दोगे सो आपका फ्लॉलेस लुक आएगा। ये मैं टिप्स है ऑफ द डे, इससे आपका मेकअप एकदम अच्छा सा शाइन, यू कैन सी द डिफरेंस राइज। सो मैं नेक्स्ट स्टेप मैं यूज़ करूँगी इज़ ब्लश। सो ब्लश मेरा यूज़ करी हूँ मैं कलरबार का। ये मैं बहुत सारे मेरे वीडियोस में ऑलरेडी यूज़ की हूँ। ये बहुत अच्छा ब्लश है गाइज, ये नेचुरल लुक देता है और ये इसमें बहुत सारा वेरिएंट्स कलर्स अवेलेबल है नायका में, आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ, दैट इज़ लोअर लैश लाइन। तो मैं लोअर लैश लाइन अब मैं ब्राउन शेड लूँगी हुडा ब्यूटी से और अपना लोअर लैश लाइन सेट करूँगी। इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है गाइस। सो आपको डोंट एवर फॉरगेट, अगर आप आपका आई शेडो लगाते हो आप ये स्टेप ज़रूर मिस कर देते हो। मैंने मोस्ट ऑफ द मेकअप जो लगाते हैं उनको लिखा है, वो कभी अपना लोअर लैश लाइन में नहीं लगाते। सो आपको डोंट मेक श्योर कि आप लोअर लैश लाइन भी आई शेडो लगाए और उसको अच्छे से ब्लेंड करें बिकॉज ये फिनिश्ड लुक देता है। सो येस, अभी मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ, दैट इज़ कॉन्टोरिंग माई लिप्स। सो लिप्स कॉन्टोरिंग माई लिप्स का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया ऑलरेडी यूट्यूब में, आप चेक कर सकते हो, ये इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है मेरा वीडियो। सो इसमें आपको पता चलेगा कैसे आपको लिप प्लम्पी करना है आपका। अब मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का ये शेड, इट्स अ न्यूड शेड गाइस, बहुत अच्छा शेड है। इसका मैं ज़रूर एक रिव्यू बनाऊंगी और डालूंगी अपने इंस्टाग्राम में। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा सेटिंग स्प्रे। सो ये सेटिंग स्प्रे है प्लम से, ये ओ माय गॉड क्या स्मेल है ये सेटिंग स्प्रे का गाइस, बहुत अच्छा फ्लावरी स्मेल है। येस गाइज, आई एम डन विद द फाइनल लुक, आई होप यू गाइज लव दिस लुक। मैं बस अभी थोड़ा सा बिंदी लगाऊंगी और थोड़ा सा नथनी लगाऊंगी और अपने बालों को खोलूंगी एंड येस एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक गाइज, आई होप यू लव दिस लुक। एंड कमेंट मी बिलो एंड लेट मी नो अगर आपको इसमें कुछ वेरियंट चाहिए या आपके कुछ क्वेरीज है मेकअप रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी गाइज। या सो
Yes, this is my final look, guys. So don't forget to like, share and subscribe me on YouTube, Instagram and Facebook. Love you all, guys. Take care. Bye.